जय श्री कृष्ण। अभी खेल के दिन चल रहे हैं, तो खेल के दिनों में खेल के समय खेल भोग आवे हैं। तो खेल भोग में जनरली सूखा मेवा या फिर दूधघर की सामग्री आवे हैं। तो आज अपन खेल भोग में धरवे के लिए खजूर के लाडू बनावे को देखेंगे। बहुत ही सरलता सु गैस को उपयोग नहीं करो तो भी बन जावे, ऐसी सुंदर सामग्री है। ये कई दिनों तक अच्छी रहवे है। तो आप ट्रैवलिंग में भी कहीं जाओ तो ये पधरा के जा सको हो। तो देखिए अपन यहाँ की बनावे की विधि। आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो कीजिए, और क्योंकि आगे और भी वीडियोस आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की डिमांड आती कि बादाम चाकी कैसे सिद्ध होवे, तो नेक्स्ट वीडियो बादाम चाकी को है। तो ज़रूर से आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए अपन यहाँ की बनावे की विधि। यहाँ पर मैंने आधा किलो खजूर लियो है, खजूर के जो काले वालों खजूर आवे वो लियो है। खजूर के मैंने बीज निकाल लिए है, और हाथ सुई याको मैंने मसल लियो है। याको मैंने गर्म नहीं कियो है। आपको खजूर बहुत अगर ढीलो लगते हो तो आप 2 मिनट या 3 मिनट के लिए नॉन स्टिक पैन में याको अच्छे से चला के थोड़ा सूखो कर सको। यहाँ पे सूखे नारियल को पाउडर लियो है मैंने, काजू को भून के लियो है मैंने, काजू के टुकड़ा को, बादाम के टुकड़ा को भी मैंने ड्राई रोस्ट मतलब भून लियो है मैंने, खारेक को पाउडर इजीली बाजार में मिल जावे। खारेक यानी जो खजूर कोई जो ड्राई फॉर्म आवे हैं उसे सुखा कर वाको पाउडर बाजार में तैयार मिले हैं। वो नहीं मिलते हो तो आप खारेक बाजार से ला के बाकी टुकड़ा करके मिक्सी में आपको पाउडर कर सको हो, लेकिन आसानी से मिल जावे ये पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैंने जायफल को भुक्का लियो है, यानी नटमग पाउडर, इलायची पाउडर, और 1 बड़ो चम्मच सूंठ को पाउडर लियो है। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आपको जो भी मेजरमेंट्स एग्जैक्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब यहाँ खजूर को जो मावा है या मैं ये नारियल को पाउडर पधराऊंगा, थोड़ा अपन बचा के रखेंगे। और ये जो खारीक को भूखा है वो पधरावेंगे अपन। ये पधरा के अच्छे से आपको मसल लेवे को है। अगर आपको खारे को पाउडर नहीं मिलते हो अथवा नहीं बदरानो हो तो फिर आके बजाय बादाम या पिस्ता को पाउडर भी बदरा सको हो। और जो भी अपन ने ड्राई फ्रूट्स लिए काजू बादाम वो अपन ने रोस्ट कर लिए है, ड्राई रोस्ट किए हैं। ड्राई रोस्ट करवे सो अच्छो सो एक क्रंचीनेस या में आवेगो। ऐसी मावा जैसी कंसिस्टेंसी हो जावे तो समझ में को कि अब यहाँ में और नारियल को बुरा पधरावे की आवश्यकता नहीं है। और अब यहाँ में जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स है वो पधरा दे देंगे अपन। नटमग पाउडर, इलायची पाउडर और ड्राई जिंजर सोंठ पाउडर पधरावेंगे, बादाम के टुक, काजू के टुक, आप यहाँ में पिस्ता चारोली वो सब भी पधरा सको हो, या में कोई ऐसा फिक्सेशन नहीं है। लगभग ये सामग्री 1 महीना तक नहीं बिगड़े हैं। अपन को 1 महीना जितनी सामग्री बना के नहीं रखनी है। प्रभु तो उत्तम वस्तु की भोक्ता है, तो फ्रेश ही सिद्ध करवे को आग्रह रखवे को। लेकिन कहीं जर्नी आउट ऑफ स्टेशन आपको जानो है प्रभु को बदरा के, तो ये सामग्री जल्दी से बिगड़े नहीं है। तो ये दूधघर में ये सामग्री अधिकतर दूधघर जो सामग्री हो वो जल्दी बिगड़ जाती हुए, लेकिन ये नहीं बिगड़े हैं। तो फिर आउट स्टेशन जानो हो तो फिर
ये सामग्री अपन सिद्ध करके जा सकें संग में लेके। और लाल खजूर नहीं लेवे को, कालो खजूर लेवे को। एकदम अच्छे सो सूखो हो गया है, सो अपन ऐसो लाड़ू सिद्ध कर सके, ऐसी आके कंसिस्टेंसी हो गई है। अब याके अपन लाड़ू सिद्ध कर लेंगे। यहाँ पे सारे लाड़ू मैंने सिद्ध कर लिए हैं। अब यहाँ में जो अपन ने थोड़ा सा बूरा बचाया तो नारियल को बूरा वो पधरा दे देंगे। या के बजाय आप चारोली भी ले सक नो खसखस भी ले सको हो। ऐसे करवे से एकदम अच्छे से सजावट भी हो जाएगी और ये एक दूसरे से चिपको भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ढीलो होवे खजूर, तो ऐसी शक्यता रहे कि एक दूसरे से चिपक जावे। तो ऐसे नारियल की बूरा में या अथवा तो खसखस में अच्छे से लिपटा कर करवे से एक दूसरे से चिपके गो नहीं। तो ये अपनी सामग्री सिद्ध हो गई है। तो ये अपनी सामग्री सिद्ध हो गई है। अब याकू अपन डिब्बा में भर सके हैं।